योगी इस खेल में डिफेंडर है और अखिलेश चैलेंजर है, तो मैं इस नजरिया से देखूंगा कि क्या योगी जी डिफेंड अच्छे तरह से कर पा रहे हैं और क्या अखिलेश एक चुनौती देने में कामयाब हो पा रहे हैं। तो अगर हम सी वोटर की ट्रैकर ले लें तो हम ये देख रहे हैं कि लगातार योगी जी डिफेंड करने में विफल हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना टर्फ को प्रोटेक्ट करने में विफल हो रहा है लगातार। और इन्होंने कहा कि एक तरह से आके प्लेट्यू हो गया है, लेकिन जब हम मुझे तो मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूं ओपिनियन पोल और ये सब चीजों के बारे में, लेकिन थोड़े बहुत चीज जो हम जानते हैं कि एक रूलिंग पार्टी के लिए इन पोल्स में एक इनहेरेंट बायस रहता है। और एक आपके कुछ पिछले एपिसोड में हम लोग नो वेस्ट वोटर्स की भी बात किए हैं, फेंस सिटर्स की भी बात किए हैं, नजिंग वाला बात किए हैं, तो जो 4-5% का जो फासला है वो कोई बड़ी फासला नहीं है, मेरा ये मानना है। तो कह सकते हैं कि आज के डेट पर मुकाबला बराबरी का है। और ये जो बराबरी पे था ना, कब नहीं था, 6 महीने पहले तो ये पूरा एक तरफा था। सितंबर अक्टूबर आते आते लगा कि नहीं, चुनौती हो सकती है, चुनौती मिल सकती है। क्या वो चुनौती के लिए एक बड़ा गठबंधन की आवश्यकता है, वो गठबंधन का माहौल क्या बन रहा है, अगर वो गठबंधन नहीं बन पाता है तो चुनौती नहीं हो पाएगा। और वहां से जाके जब तक हम दिसंबर महीने में घुसे तब तक सिर्फ समाजवादी पार्टी उभर के आ गई एज ए मेन चैलेंजर कि अब कोई गठबंधन का भी आवश्यकता नहीं है उनको चुनौती देने। तो अगर उस दायरे से देखा जाए तो मैं मानूंगा कि जिस जो एसेंट अखिलेश का हुआ है उससे उसके कंपैरिजन में योगी और भारतीय जनता पार्टी का डिसेंट कुछ ज्यादा ही हुआ है। तो जब दो इस तरह से होते हैं, अगर हम स्टॉक मार्केट की एनालॉजी अगर यहाँ पे लगाते हैं तो जो कहते हैं हायर हाइज एंड लोअर लोज, जब कोई स्टॉक प्राइस मूवमेंट होती है तो वो जाके कहाँ बैठता है, तो मुझे लगता है आज के डेट पर, आज का खासकर डेवलपमेंट देखने के बाद, और मैं पूरा सहमत हूँ रविकांत जी ने बताया कि भाई जो नेता लोग है वो बहुत जल्दी नस पकड़ लेते हैं क्या हो रहा है, हवा किधर चल रहा है। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ जो MLAs गए हैं और साथ साथ जो शरद पवार की जो स्टेटमेंट आई महाराष्ट्र से, ये सबको लेकर मैं जब पढ़ रहा हूँ कि आज के बाद और कुछ आने वाले 2-3 दिनों में हो सकता है ऐसे कई सारे डेवलपमेंट्स हो जो कि जब यशवंत जी अगली बार उनका ट्रैकर का जब नेक्स्ट राउंड आएगा शायद उनको वहां पे ये मिले कि वो फासला पूरा बंद निकल चुका है और हो सकता है ये इक्विलिब्रियम में या जो बराबरी का मुकाबला में ये एडवांटेज अखिलेश शायद नजर आ सकता है।